हेलो दोस्तों, मैं मीना सिंह। स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू सेम और मटर का अचार। ये बहुत ही टेस्टी है अचार, तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और बहुत ही फास्ट बन के तैयार होता है। उसके लिए हमने लिया है 2 आलू, थोड़े से सेम और थोड़ी सी हरी मटर, और इनके रेशे हमने निकाल लिए हैं जो साइड में होते हैं। और चलिए, तो इनका हम थोड़ा सा बीज भी निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास सेम एक्स्ट्रा थे। और इनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे गैस पर पानी उबलने के लिए। पानी हमारा उबल रहा है, तब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। एक उबाल आने देंगे। ये देखिए, पानी हमारा उबल गया है और सब्जियां भी थोड़ी सी पक गई हैं। तो इसे बस हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट हो गए, गैस को हमने बंद कर दिया है। सब्जियों को हमने छान लिया है और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसका अचार लगाएंगे, या तो आप पंखे में सुखा लें। ये देखिए, सब्जियां हमारी ड्राई हो गई हैं। तो चलिए, अब हम इसको दूसरे बर्तन में ऐड करके और मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो हम लेंगे एक बाउल, बाउल में हम सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सेम को काट भी सकते हैं। और ये रहे हमारे मसाले, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, सरसों, नमक और अजवाइन मंगरायल है। और इन सारी चीज़ों को हम सब्जियों में ऐड कर देंगे। तो चलिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर का पाउडर। आप अमचूर की जगह पे इसमें सिरका, नींबू का रस, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें तेल, सरसों का तेल, और इसे आप गरम करके डालें। और चलिए, हम थोड़ा सा डालेंगे पहले, उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसे एक बार टेस्ट ज़रूर करें कि इसका नमक, मिर्च या अमचूर कैसा है। कम ज़्यादा है तो आप यहीं पे ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप धूप में ले जाएं रखने के लिए। तो चलिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, हमने अचार को मिक्स कर लिया। और ये देखिए, कितने अच्छे से मसाले हमारे सब्जियों पर कोट हो गए हैं। इसका आप खास ख्याल रखें, क्योंकि उबले हुए आलू हैं तो ऊपर से अच्छे से कोट हो जाएंगे ना, तो स्वाद बहुत मस्त आएगा खुल के। ये देखिए, हमने इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं डाला है, नहीं तो नीचे देखिए इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें। और ये अचार ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा तो 10 दिन तक चलेगा। और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तब, अगर आप बाहर रखते हैं इस अचार को, तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। कि ये आम और कटहल का अचार नहीं है कि ज़्यादा दिन तक चलेगा, क्योंकि हमने इसे बॉयल किया है और इसे धूप में सुखाया भी नहीं है। तेल लॉन्ग टाइम वाला अचार नहीं है। और अगर आप अचार लगाते हैं सेम का, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि जो बीज वाले सेम होते हैं ना, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपके पास सेम ज़्यादा है, तो आप क्या करें कि उसमें से बीज निकाल लें और बीज को इसमें डालें। और जब बीज आपके मुंह में जाएगा ना, तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना एकदम ना भूलें।